लोकसभा चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले नेता एक दूसरे को चुनौती देने में लगे हैं। अब सपा मुखिया को उनके ही गढ़ में ललकारा जा रहा है तो वो भला कैसे जाने देते। उन्होंने राज्य मंत्री असीम अरुण को दो टूक जवाब दे दिया। कन्नौज अपने घर में भी घोषणा करनी पड़ेगी, तो जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, कन्नौज की जनता समाजवादियों को सबसे ऐतिहासिक वोटों से इस बार जिताई। तो अखिलेश यादव ने असीम अरुण को साफ कह दिया कि अपने ही गढ़ में चुनाव लड़ने की घोषणा करनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि कन्नौज की जनता सपा को रिकॉर्ड मतों से लोकसभा चुनाव में जिताएगी। इस दौरान सपा मुखिया ने जुबानी तीर छोड़ते हुए बीजेपी वालों को बिजली चोर तक बता दिया। आप खुद सुनिए। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग कोई काम नहीं कर पाए, इनसे बताइए कि सड़क कहाँ बनाई, पुल कहाँ बनाया, मेडिकल कॉलेज क्या बनाया या और किस तरह किया, बिजली का कोई इंतजाम किया हो। ये केवल छापा मार रहे हैं, समाजवादियों का गांव देख लेते हैं, समाजवादियों का घर देख ले तो बिजली का छापा मार रहे हैं। असली बिजली की चोरी बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वालों के छापा ही नहीं, जमीन कब्जा कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनका कोई छापा नहीं, पुलिस छापा मार रही कि समाजवादी पार्टी का कौन है। अब चलिए आपको असीम अरुण का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने सपा अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा था कि दम है तो कन्नौज से चुनाव लड़कर दिखाएं। क्या कन्नौज आने में डर लग रहा है? अगर कन्नौज आने में डर लग रहा है तो फिर हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। अखिलेश जी आपको मैं चुनौती देता हूँ, कहीं और मत जाइएगा, यही कन्नौज से चुनाव लड़िएगा। 4 लाख से कम अगर हमने हराया तो बताइएगा। ऐसे हमारी सुब्रत पाठक जी, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और एक बहुत बड़े चुनाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत बड़ी जीत की पूरी आशा है, चुनाव में कभी हम बड़ी बात नहीं करते। कन्नौज पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार के मंत्री पर न सिर्फ पलटवार किया बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो सपा के किले से ही चुनावी ताल ठोकेंगे और जीत भी उनकी ही होगी, वो भी ऐतिहासिक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।